वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका पीएफ का पैसा कटता है और यूएन अकाउंट बना लिया है तो अच्छी बात है। तो उससे पहले आपने एक कार्ड बना लीजिए और कार्ड में आपका यूएन नंबर रहेगा। आपको दिखाएंगे कैसे कार्ड बनाया जाता है और पासबुक को कैसे प्रिंट किया जाता है, ये पूरा डाउनलोड करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका फुल प्रोसेस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। पहले आपको यहाँ पे मोबाइल एंड्रॉयड होना चाहिए और या लैपटॉप होना चाहिए कोई भी। तो यहाँ पे एक क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में एक बार टाइप करना है। टाइप क्या करना है, यूएन कार्ड डाउनलोड, यहाँ लिखा हुआ है यूएन कार्ड डाउनलोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएन कार्ड डाउनलोड पर एक बार टच कर देना है। यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, आप देखिए लिख रहा है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, यूएन का फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मेरा यूएन नंबर ऑलरेडी है, पासवर्ड भी है, अपना पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। मैं फ़िलअप कर दे रहा हूँ इसको। फिलअप करने के बाद इसको आप लॉगिन कर देंगे। मैं इसको पहले फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे साइन इन का एक आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए साइन इन, साइन इन पे साइन इन हो जाएंगे, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ आगे। एक नोटिफिकेशन है, अलर्ट है, प्रिय सामान्य सदस्य, ई नामांकन सुविधा ई साइन के साथ उपलब्ध है। यदि आपने अपना नाम दाखिल नहीं किया है तो कृपया इन्हें तुरंत दाखिल कर लें। इसका नोटिफिकेशन है तो बस इसको यहाँ से हटा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये पूरा मेरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे यूएन नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए, उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक आएगा सर्विस, उसके बाद आएगा अकाउंट, अकाउंट के बाद मैनेज, उसके बाद यहाँ पे आएगा व्यू। तो हम क्या करेंगे, व्यू पे एक बार टैप करेंगे। व्यू पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड। तो हमको यूएन कार्ड करना है, तो यूएन कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर एक बार टैप किए तो यूएन कार्ड डाउनलोड मेरा होने लगा। उसके बाद यहाँ से यूएन कार्ड डाउनलोड यहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पे यूएन कार्ड डाउनलोड लिख रहा है ये जगह पे। यहाँ पर एक बार टैप कीजिए, टैप करने के बाद देखिए कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आएगा और उसके बाद ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अभी नेटवर्क बराबर नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसका अगला प्रोसेस भी बता रहा हूँ। तो आप जो यूएन कार्ड डाउनलोड जो लिखेंगे उसके पास यहाँ पढ़िए, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर एक मिस कॉल मांगना है, ठीक है ना। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, द उमंग ऐप कैन बी डाउनलोड बाई गिविंग ए मिस कॉल 9718397183। और यहाँ पे मिस कॉल मारेंगे एक ऐप आएगा, वो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो मैं आपको मिस कॉल दे के दिखा रहा हूँ आपको लाइव कैसे होता है। यहाँ से मैंने एक मिस कॉल दिया, तो जो नंबर आपका यूएन नंबर में दिया होगा ना मोबाइल नंबर, वही नंबर से मिस कॉल देना है। तो हमने आइडिया का दिया है, आइडिया से मिस कॉल दे, एक मैसेज आ गया मेरे पास, मैसेज मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मैसेज है उमंग का। यहाँ मैसेज आ गया, यहाँ लिख रहा है क्लिक ऑन द लिंक टू डाउनलोड द उमंग मोबाइल ऐप एंड स्टार्ट द क्रॉसिंग द गवर्नमेंट सर्विस थ्रू योर स्मार्टफोन। तो यहाँ पे जो एक वेबसाइट है लिंक दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट लेके जाएगी आपको प्ले स्टोर में। देखिए प्ले स्टोर में हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ प्ले स्टोर आ गया, प्ले स्टोर में जाकर पूरा आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ उमंग आ गया, उमंग को डाउनलोड कर लीजिए, उमंग डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड होने दीजिए, उसके बाद अगला प्रोसेस बता रहा हूँ आपको हम।
देखिए डाउनलोड हो चुका है मेरा, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए मैं इंग्लिश कर ले रहा हूँ, ऑलरेडी इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है, बॉक्स को एग्री करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको मैं बता दूँ तो ये उमंग ऐप डाउनलोड हो गया है, कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन दे के इसको चालू कर लीजिए। चालू करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पे जाना है EPFO पे। EPFO यहाँ जाने के बाद एम्प्लॉय सेंटर सर्विस यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार क्लिक करें तो यहाँ देखिए व्यू पासबुक, पासबुक का व्यू जो चाहिए ना प्रिंट करना है जो भी, यहाँ पर हम क्लिक यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, UN एक्टिवेट कोड यहाँ से भी ले सकते हैं हम। तो हम इसको पहले प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मेरा UN ID मांग रहा है, UN ID तो अपना UN नंबर हम डाल दिए हैं और यहाँ OTP आ चुका है, यहाँ पर फिल कर देना है OTP अपना 233 कितना था 233 9 233 799 799। फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए वेलकम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ गया मेरा यहाँ पे, और L&T कंस्ट्रक्शन से आया था। यहाँ पे अभी क्लिक करके देख लेते हैं अपना, ये पूरा व्यू डिटेल्स आ गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, कितना पैसा कटा था, कितना पैसा है अकाउंट में, यहाँ फुल डिटेल्स है। एम्प्लॉय शेयर कितना किया है यहाँ देख सकते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन और पूरा है इसमें, आप इसको पूरा रीड करके देख सकते हैं। और नीचे में सबसे नीचे में आइए, यहाँ से अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। हम डाउनलोड कर दे रहे हैं, इसको अलाउ दे दे रहे हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हम फाइल में देख सकते हैं, आपको दिखा दें कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन L&T कंस्ट्रक्शन, ये पूरा नाम आ गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरा नाम आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम है। ये पूरा इसमें पूरा ब्यौरा है इसमें लिखा हुआ है, तो पासबुक प्रिंट करके आपको हम दिखा दिए, ठीक है ना। एक मिस कॉल दे के आप समझ गया ना, एक मिस कॉल देकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर सके, बहुत सा ऑप्शन है इसमें, ये पूरा जानकारी इसमें है, आप ले सकते हैं। ये तो आपको UN ऐप से हम डाउनलोड करके बताए हैं पासबुक, और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ ब्राउज करके ही बिना डाउनलोड किए करने के लिए पासबुक को डाउनलोड करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। व्यू पे जाकर यहाँ देखिए पासबुक लिख रहा है, यहाँ पे पासबुक पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका यहाँ पर UN नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर ले लेगा खुद, और यहाँ पर इसको फिलअप करना है कैप्चा कोड, तो मैं फिलअप कर दे रहा हूँ इसको। फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर देना है, यहाँ से लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपना मेंबर। करने के बाद यहाँ पे देखिए पासबुक व्यू दे रहा है, यहाँ पे एक बार टैप कीजिए, ये पूरा पासबुक का व्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी पासबुक आपका आ सकता है, तो बहुत सा ऑप्शन है इसमें, और मैं उसको डाउनलोड करके देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका था, ये PDF फाइल में चल गया था। तो ये रहा मेरा पासबुक जो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, और उसके बाद ये रहा जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये रहा UN कार्ड, ऐसा कार्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे UN नंबर आ जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा, और यहाँ फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए KYC यस है तो यस लिख देगा, और ये देखिए मेरा फ़ोटो भी आ जाएगा, तो आपका भी ऐसा फ़ोटो आ जाएगा अपने पास। दूसरा नंबर इसका बैक साइड का है, ये दोनों पेज आ जाता है, यहाँ बार कोड भी है देखिए। तो ये जो है इसको आप डाउनलोड कर लिए हैं, इसको प्रिंट करके आप कार्ड बना सकते हैं, तो ऐसे कार्ड बनता है। तो आशा करते हैं कि आपने ये सीख लिया होगा, जान लिया होगा, जो जानता है कोई बात नहीं, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड बना कर रखना, बहुत ज़रूरी है। मेन ये नंबर है, ये नंबर कभी कभी याद नहीं रहता, इसलिए कार्ड बन जाएगा तो आप बना कर रख सकते हैं। ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे, धन्यवाद।